खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम काली माँ का दर्शन करने के लिए चलते हैं। हमारे साथ में गायिका वेदांती तिवारी भी हैं। और चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। काली, कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। वह मृतकाल परिवर्तन की देवी हैं। ये सुंदर रूप वाली आदिशक्ति दुर्गा माता, काल विकराल रूप है इनका। इनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई है। इनको बंगाल, उड़ीसा और असम में अधिकतर पूजा जाता है। वैसे तो सारे विश्व में इनका पूजन होता है। प्रमुख इनका असुरों के संहार के लिए ही इनका जन्म। मंदिर के लिए अब हम लोग निकल चुके हैं। एक काम था दूसरा, उस जगह जाके फिर हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। फिर आपको आगे वहीं मंदिर पे ही मिलते हैं। जय हो काली मैया की। जय माता दी। जगत जननी काली मैया का नाम सिमरन करने से आदमी के पाप कट जाते हैं। आगे हम लोग काली माता के मंदिर में। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है और हम लोग काली माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैडम जी से यही बोल रहे हैं कि फूल की थाली लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है ना। चलो माता रानी को फूल की थाली चढ़ाते हैं और आप लोग को अब मैं थोड़ा बाहर से परिसर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अंदर का माता रानी का दर्शन भी कराऊंगा। जय हो काली मैया की। दैत्य सहारन वेद उचारन दुष्टन को तुम ही खलती हो, खड़ग त्रिशूल लिए धनुबान यो सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। सुदास को साथ सहाय सदा सुदया कर आन फते करती हो, मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। दुष्टन मारय नंद कियो निज दासन के दुख को हरती हो, मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। तेरो प्रताप तिहुँपुर में तुलसी जन की मन सा भरती हो, हो दयाल दया करके जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। चलो दोस्तों, काली मैया का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अंदर और भी जो देवी देव थे उनका सबका दर्शन हुआ। मनुष्य का कल्याण हो। काली माँ का अंदर का परिसर है। फोटो निकालने को तो आजकल हर जगह पे मनाही हो रही है। आपको दिखाते हैं, तीन हाथ नाका के थाना स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही पुराना मंदिर है और लोगों की मनोकामना भी यहाँ पे पूर्ण हुई है। दोस्तों, अब हम लोग माता रानी के मंदिर से उनका दर्शन करके अब हम बाहर के लिए निकलते हैं। जय हो माता रानी। माता रानी की जय हो। ये मंदिर के बाहर हम लोग निकल चुके हैं। मंदिर के बगल में भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं। हम बाहर अब निकल चुके हैं यहाँ से और मंदिर के पीछे जाने के लिए 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि 2 रोड के बीच में यह मंदिर है। तो दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं थोड़ा मंदिर के पीछे और वहीं पर फिर मैं आप लोग को मिलता हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता रानी की जय हो। माता रानी की जय हो। माता रानी की हम लोग पूजा अर्चना यहाँ पे किए। मैं समस्त अपने बांधु बांधवों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए, सबका भविष्य उज्जवल रहे, माँ सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसा मैं माँ से मनौती हरदम मांगते रहता हूँ। मेरे दोस्तों, जगत जननी जगदम्बा आप सबका कल्याण करें और प्राणियों में संबंध सबसे अच्छा रहे। माता रानी की जय हो। जय हो माता रानी। अब हम माता रानी का दर्शन करके, काली मैया का दर्शन करके अब हम फिर आगे के लिए निकलते हैं। और बहुत अच्छा दर्शन हो गया आप लोग के साथ में। आप भी दर्शन करिए माता रानी का। ये पीछे का भाग है मंदिर का और फिर आपको आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराज, जय हो काली मैया की। चलो दोस्तों।
फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ।